वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन वेलकम टू द सेशन जय हिंद मंदे माथाम बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर जॉयनिंग प्लीज लिव अ मैसेज विभास आरती विनय दामिनी अपूर्वा सोनू यशिका एकता uh, सबका बहुत बहुत स्वागत अवॉम वेलकम वेरी वेरी गुड इवनिंग आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए एंड ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स दे आर मोस्ट वेलकम अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द करंट अफेयर इन फोर्टी मिनट्स यू आर मोस्ट वेलकम important daily current affairs, be it international news, national news, economy, polity, uh, sports, everything we will be covering. Uh, Shruti, very, very uh, good evening. So let's start with the today's session. So these are the social media handles where you can join us. Uh, uh, welcome, Abhiraj. And this is a brief introduction about me. And uh, apart from that, we have our SSB batch going on. We have our SSB batch going on. Apart from that, CDS and CAPF batch is going on. Uh, Sangeeta, Jai Hind, and uh, anyone who is interested in completing the syllabus in a most comprehensive manner, most welcome. These are the students who have cleared and successfully joined the training. And uh, these are the students who have cleared the written examination of CDS, CAPF, and uh, FCAT. ओके सो सो स्टार्ट विद इंटरनेशनल न्यूज फर्स्ट न्यूज इज इंडिया बाउंड कार्गो शिप हाईजेक बाय हाउदी रेबल्स देखो अब आज बहुत सारे आर्टिकल्स हाउदी रेबल्स को लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री जोग्राफी इन करंट अफेयर्स भी डिस्कस करना है हाँ उसको लेकर मैं आज आखिरी में कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूं ठीक है आज मैं आखिरी में स्लाइड्स लेकर आया हूं टू डी मिस्टिफाई की यूपीएससी क्वेश्चंस कहां से पूछता है आपके हिस्ट्री के कुछ कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं इस बार के सी डी एस टू तो आखिरी में आखिरी तक बने रहना काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लगेंगी ठीक है ओके कार्गोशिप एंड रीड एंड रूट फ्रॉम तुर्की टू तु, इंडिया वॉज हाईजेक बाय हाउदी रेबल्स सी में लाल सागर में अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि इजरायली गवर्नमेंट ने डिनाई किया है क्लेम को और ये कहा है कि ये ईरान का किया कराया है अब हाउदी रेबल्स कौन है अब इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं और सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन बनता है आपका ये था आपका शिप का नाम जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर इज दिस अनदर हाईजेक नहीं जी ये वही पास न्यूज वाला है तो उसको बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे गैलेक्सी लीडर ठीक है uh, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हाउदी रेबल्स को लेकर आ रहे हैं सो यू शुड बी नोइंग एनी वन हु वॉन्ट टू नो किसने ये हाईजेक किया देखो तो हाउदी रेबल्स के बारे में ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले येमेन ठीक है तो ये रहा आपका यमन देश अरेबियन पेनिनसुला में एक तरफ आपका रेड सी है यहां पर बब अल मंदाब स्ट्रेट है और यहां पर आपको एडन मिलता है गल्फ ऑफ एडन अब यहां पर कहानी है कि येमेन की जो सरकार है येमेन में यहां पर अगेन जो कंफ्लिक्ट है वो सुन्नीज और शियाज के बीच में है सुन्नीज और शियाज कह सकते हैं कि इस्लाम में आपको दो बड़े सेक्ट अगर दुनिया भर में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो सेक्ट है है सुन्नीज और जिसका एक बड़ा लीडर सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया काइंड ऑफ लीड करता है और शियाज को लीड करता है ईरान अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हादी अलाइंट फोर्सेस हैं और हाउदीज हैं हाउदीज इनको बैक करता है ईरान यह है आपका शिया डोमिनेटेड फोर्स जो कि वहां पर इनके कंट्रोल में जो नॉर्थ येमेन आता है और येन की कैपिटल है सना ठीक है सना जो है वो इनके कंट्रोल में है दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे अब ये जो क्राइसिस है लगभग अठारह बीस साल पहले शुरू होता है और उस उसके बाद जो है 2015 में यहां पर सऊदी अरेबिया भी यहां पर कह लीजिए इस कंफ्लिक्ट में पार्ट बनता है और जो आ, मेन की सरकार है उसको सपोर्ट करता है जो सुन्नी डोमिनेटेड सरकार थी उसको सपोर्ट करता है अब सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है यूएस यूके ठीक है यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न नेशन सपोर्ट कर रहे हैं विद मनी विद वेपन अब देखो यूएस का सपोर्ट करने का मकसद क्या है यूएस का सपोर्ट करने का मकसद है क्योंकि उसको काउंटर करना है ईरान को ठीक है ईरान को काउंटर करना है ईरान क्यों क्योंकि मतलब लिटरली वो ये कहता है कि भाई हम खत्म कर देंगे ठीक है बिल्कुल साफ शब्दों में वो ये बात कहता है अब इसराइल को पूरी बैकिंग है यूएस की और एक वेस्ट एशिया में जिसको हम मिडल ईस्ट भी कहते हैं उसमें एक बैलेंस ऑफ पावर रहे तो यहां पर और इसराइल के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे तो इस सब के चलते हुए यहां पर यूएस जो है सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है यमन की फोर्सेस को यहां वहां की सरकार को तो ये एक मोटा मोटा कंफ्लिक्ट हाउदिज एक कह लीजिए मिलिटेंट ग्रुप है रेबल ग्रुप है शिया डोमिनेटेड ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो वहां की सरकार का है जिसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस मैप में यह आपका यमन ये वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो इसकी कैपिटल है यहां पर आपको हउदिस का कंट्रोल देखने को मिलता है तो ये इसकी कहानी है गल्फ एंड अदर रीजनल मेनी है कल्यूशन यहां पर सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न नेशन ठीक है जी ओके आगे चलते हैं चाइना ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है चाइना ने कहा है कि अब हम दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड बनाने जा रहे हैं देखिए अभी तक दुनिया को द अनसेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी नेवी इन द वर्ल्ड इज टू प्रोवाइड

हाउदी रेबल्स या यमन का uh, मुद्दा नहीं है इसमें प्रैक्टिकली ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हैं दो वो शिप जो है इंडिया की तरफ आ रहा था बट उसमें जो है बाकी नेशनैलिटीज के भी लोग थे लगभग कहा जा रहा है कि पच्चीस सिविलियंस थे और उसमें बहुत सारी नेशनैलिटीज बहुत सारे यूरोपियंस भी थे तो लेट्स सी लाइक व्हाट विल हैपन और उसको क्रिटिसाइज किया गया है यूएस के द्वारा सारे देशों के द्वारा यूएन के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया गया है ओके नाउ कमिंग टू द चाइना न्यूज चाइना जो है अभी तक हमने आर्मी सुना है नेवी सुना है एयरफोर्स सुना है चाइना ने एक रॉकेट फोर्स बनाई है रॉकेट फोर्स के अलावा पांचवी जो कमांड बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं नियर स्पेस कमांड अब ये नियर स्पेस कमांड क्या है म, इनका ये मानना है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है चाइना का यह मानना है कि जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो स्पेस से लड़ी जाएगी और यहां पर हम स्पेस में चाइना कह रहा है कि हम स्पेस में सुपरसोनिक मिसाइल्स को, सॉरी हाइपरसोनिक वेपन्स को सॉरी हाइपरसोनिक वेपन्स को यहां पर हम डिप्लॉय करेंगे कहां पर नियर स्पेस एक नियर स्पेस क्या होता है सरफे uh, से 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर देखिए सरफेस से 100 किलोमीटर हम कहते हैं करमन लाइन कर्मन लाइन ठीक है जी इस कर्मल लाइन के बाद ही हम उसको स्पेस मानते हैं ठीक है जी 100 किलोमीटर्स के बाद जो है उसको स्पेस गिना जाता है तो ये जो इनकी कमांड फोर्स होगी ये ट्वेंटी टू हंड्रेड किलोमीटर्स तक होगी और ये दुनिया की पहली आ, कह लीजिए इस तरीके की कमांड चाइना बनाने जा रहा है दुनिया भर में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है मान के चलिए कि ये यूएस को वेस्टर्न नेशंस को अगर ये देखिए अभी ये जो खबर आई है ये मीडिया रिपोर्ट्स में आई है अगर ये ऐसा हुआ और फ्यूचर में यूएस या यूरोपियन नेशंस भारत इस तरीके से स्पेस में जाकर अपनी मिसाइल्स को नियर स्पेस कमांड बनाता है तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है बट चाइना का ये कहना है कि हम इसके लिए रेडी हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्पाई बेलून्स स्पाई बेलून्स ऑलरेडी आप चाइना के देख रहे हैं जो पूरा पैसिफिक कोशन क्रॉस करके घूमते फिरते यूएस के ऊपर पहुंच के स्पाइंग कर रहे थे यूएस ने उसको लिटरली शॉट डाउन किया जिसको लेकर यूएस और चाइना के रिलेशंस काफी खराब भी हुए सोलर पावर ड्रॉन्स और अदर सपोर्टिंग इक्विपमेंट तो ये जो है लाइक व्हाट इज नियर स्पेस कमांड ये मैंने आपको बताया ट्वेंटी टू हंड्रेड किलोमीटर्स तक और रीजन क्या है रीजन है कि फ्यूचर की जो वॉरफेयर है नेक्स्ट बैटल ग्राउंड जो है वो क्लियरली स्पेस है और हम उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं ये चाइना का तर्क है इसका रिस्पॉन्स क्या होगा इसका रिस्पॉन्स दुनिया भर की फोर्सेस से क्या होगा ये देखने लायक होगा बट डेफिनेटली ये एक दुनिया की पीस एंड सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय है कि चाइना जो है इस तरीके से एक स्पेस कमांड बनाने जा रहा है दो दो इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देना चाहता हूं ये पहले से बात चल रही है ये बहुत ऐसा नहीं है कि चाइना बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू ये एक नई चीज लेकर आ रहा है पहले से भी ये बात चल रही है कि फ्यूचर में क्या स्पेस वॉर्स होंगी जो अभी तक हम हॉलीवुड की मूवीज में देख रहे थे तो क्या ऐसा फ्यूचर में भी होगा तो उसके संकेत ऑलरेडी मिलने शुरू हो चुके हैं ठीक है जी तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है इसको लगभग सारे जो इंटरनेशनल न्यूज ने इस न्यूज को कवर किया है आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं दिस इज द नियर स्पेस 20 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तो यहां पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को दे विल डिप्लॉय नेक्स्ट है फार राइट डच लीडर हु बैग्ड नुपुर शर्मा ओवर प्रॉफिट रिमार्क विंस पोल्स तो यहां पर नीदरलैंड्स uh, में सरकार बदली है बहुत सालों से वहां पर एक सरकार थी आ, पहले कहा जा रहा था कि नीदरलैंड्स में हो सकता है कि पहली महिला प्रधानमंत्री बने लेट्स बट यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रहे हैं आ, इनके जो रिमार्क्स हैं इस्लाम को लेकर प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर वो काफी विवादास्पद रहे हैं और उसको लेकर जो है इन, इनको बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स भी मिलते रहे हैं बट यहां पर सवाल एक और आता है कि क्यों यूरोपियन कंट्रीज में साउथ अमेरिकन कंट्रीज में दुनिया भर में जो फार राइट पार्टीज हैं जो राइटिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनमें जो है यहां पर आपको जो है सत्ता में आती हुई नजर आ रही हैं लेफ्टिस्ट पार्टीज कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है ठीक है चर्चा का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इन्होंने बहुत खुल के जो है इफ यू रिमेंबर द लास्ट ईयर दैट नुपो शर्मा मेडर स्टेटमेंट सो आफ्टर दैट देर वॉज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट तो उसको लेकर इन्होंने सपोर्ट किया था बिल्कुल ओपनली सपोर्ट किया था uh, कि हाँ जी uh, इस उनके रिमार्क्स को सपोर्ट करते हैं सो दैट वाज़ हिज पार्टी हैज गीट विल्डर्स नोन फॉर हिज एंटी इस्लाम व्यूज डिफाइड प्रोडिक्शंस और इनकी पार्टी जो है अब ये सरकार बनाने जा रही है वहां पर ओके okay. नेक्स्ट है इसराइल हमास एग्री टू फोर डे सीजफायर टू स्वैप होस्टेजेस तो ये यहाँ पर सीज फायर हुआ ये कल की न्यूज़ है बट अब ये कहा भी कहा जा रहा है कि ये हॉस्टेजेस को जो है जो लगभग 240 हॉस्टेजेस ये लेकर गए थे हमास वाले उनमें से कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और बाकी जो है पैलेस्ती सॉरी आपका जी हाँ गाज़ा पट्टी के हमास के जो लड़ाके हैं उनको भी इसराइल यहाँ पर इन जो बंधक हैं उनके बदले में छोड़ेगा ये एक समझौता साइन हुआ है इसमें यूएस का भी रोल है कतर में कहा जा रहा है कि मीटिंग्स हो रही हैं तो ये अपडेट है इसराइल हमास वॉर का ठीक है ओके नेशनल न्यूज में सी ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनको वाइस चेयर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन पैनल्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स का सो सी ए जी गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिन इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यू एन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स इस एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल में जो है बारह बारह सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ग्लोबली मतलब अलग अलग देशों के जो भी सी ए जीज हैं मतलब जो उनके ऑडिटर जनरल्स हैं उनको यहां पर लिया जाता है उसमें भारत के जो सी ए जी हैं वो भी होंगे द इंडिपेंडेंट बॉडी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दीज कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है और इंडिया से आ, हमारे जो सी ए जी है जी सी मुर्मू वो रिप्रेजेंट करेंगे आई आई एस आर कोजिगोड इंट्रोड्यूस अल्डिंग पेपर वराइटी सो ब्लैक पेपर काली मिर्च जिसे हम कहते हैं आई एस ए आर चंद्र सो so, इस वराइटी का नाम रखा गया है एक हाई योग वराइटी है जिसमें दो पेपर वराइटी uh, जो है क्रॉस ब्रीडिंग किया गया है चोला मुंडी एंड थॉमन कॉडी रिजल्टिंग एन हाइब्रिड सो ये बैक क्रॉस्ड विदन कॉडी ताकि जो आ, कह लीजिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहें. तो कुल मिला के यहां पर जो भारत में ब्लैक पेपर होता है उसकी जो कंजम्पशन है वो मेनली भारत में है और इससे क्या होगा इससे ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और सीधा सीधा किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा ऐसा कहना है इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इन में तो सब सबसे पहले तो आपका यह भी क्वेश्चन बनता है कि यह कौन से देश में है और सॉरी कौन सी स्टेट में है ब्लैक पेपर के बेनिफिट्स क्या हैं एक्सेलेंट सोर्स ऑफ मैंगनीज कोलेस्ट्रॉल फ्री बहुत कम जो है इसमें फैट होता है लो सोडियम लो फैट प्रोटीन इसमें आपको मिलता है फाइबर इसमें आपको मिलता है तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं विटामिन के ए सी ई कैल्शियम विटामिन बी ये आपको सारी चीजें ब्लैक पेपर से मिलती हैं नेक्स्ट है न्यू म्यूजिक फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि उत्तराखंड बेस्ड है और यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वर हैम्पटन ने एक म्यूजिकल फ्रॉग पता लगा म्यूजिकल फ्रॉग मतलब लिटरली म्यूजिकल फ्रॉग मतलब थोड़ा जो आवाज है म्यूजिक की तरह है ये कहां पर मिला है ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा कामलांग लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश ठीक है जी रसम में इस रसम में बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक पेपर ठीक है लगभग मतलब पूरे भारत में अलग अलग जगह आपको ये डिशेज में मिलता है द न्यू स्पीशीज रिसीव इट्स नेमाना नो दिहिंग एज होमेज टू नोहा दिहिंग रिवर तो ये दिहिंग रिवर ये है आपका म्यूजिकल फ्रॉग ये दिहिंग रिवर अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है दिबांग दिहांग लोहित कामपिली ठीक है ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की तो इसमें आपकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई नो दिहिंग रिवर एट विजयनगर सो दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड पेस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ डेवेस्ट पेडी क्रॉप इन असम क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान ऑलरेडी दिखने शुरू हो चुके हैं uh, एक नुकसान जो यहाँ पर दे, uh, देखने को मिल रहा है वो ये है कि पेस्ट इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एग्जाम्पल है दट माइथिमा सेपरेटा कॉमनली नोन एज द हेड कटिंग कैटरपिलर राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर और आर्मी वॉर्म यहां पर अटैक हुआ है जिसकी वजह से पंद्रह डिस्ट्रिक्ट्स में फसल खराब हुई है पेडी की लगभग अट्ठाईस हजार हेक्टेयर में जो धान की खेती है वहां पर उसको नुकसान पहुंचा है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से देखो खेतों से ये जो है फोटोज आ रही है एंड प्रॉब्लम ये है एक ये न्यूज आपके लिए मतलब यह कह लीजिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत में एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो ये पेस्ट है इसकी जो मूवमेंट है है वो 200 किलोमीटर नॉर्थवर्ड हो जाती है। एक, टेम, एक डिग्री बढ़ने से जो पेस्ट है वो नॉर्थवर्ड मतलब 200 किलोमीटर और ऊपर तक वो इन्फेस्ट कर पाएगा या वहां पर सरवाइव कर पाएगा तो धीरे धीरे से क्या होगा इससे ये होगा कि जो हिमालयन एरियाज हैं जो ठंडे इलाके हैं वहां पर भी पेस्ट अटैक आपको देखने को मिलेंगे या पूरे भारत में पेस्ट अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी सो सीरियस कंसर्न फॉर द कंट्री इन द फ्यूचर नेक्स्ट है सेफरन ऑफ किश्तवार डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स जीआई टैग फ्रॉम जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सो so, जीआई टैग मिला है इसका नाम है हाँ जी कुमकुम कुमकुम भाग, कुम भाग्य नहीं मतलब कुमकुम ठीक है सो कुमकुम द लेजेंडरी मोस्ट एक्सपेंसिव हार्वेस्ट ऑफ सैफरन केसर ठीक है जी एंड पॉपुलर कुमकुम और बहुत फेमस कैश क्रॉप है जम्मू कश्मीर की खास खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की और uh, जो है uh, इसके प्रोडक्शन एरिया को कहा जाता है मंडल ठीक है मंडल कहा जाता है और uh, इसको मिला है जीआई टैग तो ये आप देख सकते हैं कुमकुम दैट इज द टाइप ऑफ सैफरन डिफेंस न्यूज में ड्यूरिंग एक्सरसाइज द्वीप शक्ति द्वीप शक्ति द्वीप कहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड तो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो आ, आ, कमांडर इन चीफ है वहां पर तो उन्होंने इस चीज का कह लीजिए वहां पर एयर मार्शल साजू बालू कृष्णन ने फ्लाइंग मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन ये एक आपका कंबाइंड एक्सरसाइज है ठीक है आर्मी नेवी एयरफोर्स की सो दैट इज एक्सरसाइज द्वीप शक्ति स्पोर्ट्स न्यूज में आईसीसी बैंड ट्रांसजेंडर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर यहां पर आईसीसी uh, ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक डिसीजन लिया है उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वुमेन्स क्रिकेटर में और बिल्कुल यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो सर्जरी उनकी हो रखी है या नहीं हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो उसका रीजन ये दिया गया है कि प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स गेम एंड द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स ठीक है सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन्स गेम को इंश्योर करना है इसके लिए ट्रांसजेंडर प्लेयर्स को बैन किया गया है फ्रॉम द वुमेन्स क्रिकेट। नेक्स्ट है राकेश कुमार जिन्होंने एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं तीन गोल्ड मेडल जीते हैं राकेश कुमार एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में सीधा सीधा ये नाम पूछा जाता है प्लेयर्स का तो ये इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है टॉप सीड तनवी खन्ना हैड अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड विन ओवर अतिका सो uh, so ये है आपका नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप एट इंडियन स्क्वैश एंड ट्राथल अकेडमी नेक्स्ट है गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स में वापस आ गए हैं एज अ मेंटर ठीक है पहले वो कैप्टन रहे हैं अब वो एज अ मेंटर पार्टिसिपेट करेंगे uh, न्यूज में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एस वेंकटी रमनन जो है ये इनका देहांत हो गया है बहुत फेमस पर्सनालिटी अगर आपको याद हो 1991 में इंडिया ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया था हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया था जिसको हम एल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन उस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे ये आरबीआई के गवर्नर ये रहे हैं 1990 से लेकर उन्नीस तक तो भारत को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए जनरली जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाता है इनको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जी हां, इनको भी जो है उसका बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है वैसे ये प्रोफेशनली आई ऑफिसर थे उससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे और फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद इन इनको आर गवर्नर का पदभार संभाला गया दो साल के लिए और जो है 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय पर ये आर गवर्नर थे नेक्स्ट है जस्टिस फातिमा बीवी इंडिया वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डाइज एट 96 जस्टिस फातिमा बीबी जो है एज अ जज ज्वाइन करती हैं लोअर जुडिशरी से इवेंचुअली बिकमिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिर वो हाई कोर्ट जज बनती हैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट जज बनती हैं सुप्रीम कोर्ट जज के बाद वो मेंबर रहती हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की उसके बाद वो गवर्नर भी रहती हैं तमिलनाडु की तो काफी जो है इनका करियर सक्सेसफुल रहा है पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के नाम से इनको जाना जाता है अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में यह बता दो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन रही है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बहुत स्टैंडर्ड फैक्ट है जो आपका पूछा जाता है सो इंडिया फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आईस ये uh, केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट uh, में इनका जन्म होता है इंटरेस्टिंग uh, है इनके बारे में पढ़ रहा था कि जो uh, इनके पिताजी थे uh, बहनें थी बट उनको काफी पढ़ाया गया उस समय पर एक मुस्लिम महिला का uh, पढ़ाई करना हायर स्टडीज करना ये बहुत रेयर था बट uh, इनके फादर ने काफी सपोर्ट किया एंड इवेंचुअली शी वेंट ऑन टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे आज का छोटा सेशन था एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं uh, लाइक जब आप लोग पेपर देकर निकलते हैं यूपीएससी का तो हमेशा एक सवाल रहता है कि यार इतने टफ क्वेश्चन कहां से पूछते हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे लोग आपको लैक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इवन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं क्योंकि क्या होता है सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है तो वो फिर जब वो बोलता है तो सबको लगता है कि यस yes, ये बोल रहा है तो मतलब सही होगा ठीक है बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मेनी पीपल से हाँ जी जस्टिस लीला सेठ ठीक है जस्टिस लीला सेठ वो जनरली ये कहा जाता है कि भाई करंट अफेयर अठारह क्वेश्चन रहते हैं और उसको आप लाइक like, एक जो भी है मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो डेट ऑल ठीक है ये हो जाएगा खासकर सीडीएस के एग्जामिनेशन में भी तो मैं आज आपको थोड़ा सा इस बार का जो सीडीएस डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री था उसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि किस कैसे जो है नॉर्मल जो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो जो क्वेश्चन भी जो है वो आपको करंट अफेयर से मिले ठीक है जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका ठीक है ये आई थिंक सबको पता है माउंट किलीमजारो बट ये न्यूज में था क्योंकि एक आई ऑफिसर हैं उन्होंने जो है इसको फतेह किया काफी ज्यादा वो चर्चा में था सो दिस इज हाउ एग्जामिनर आपको यह समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर की साइकी क्या है एग्जामिनर की साइकी क्या मतलब ही इज अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री ठीक है वो आ, आम व्यक्ति की तरह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है जब उसको बोला जाता है कि हां जी आप पेपर बनाइए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा न्यूज ठीक है उसके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है ही और शी इज नॉट लाइक चेकिंग आउट द बुक्स वो रेगुलर बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं बट रेगुलरली एक चीज जो एग्जामिनर यूपीएससी चेयरपर्सन कोई भी जो अवेयर सिटीजन है इस देश का वो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ता है तो एक एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है अगर आप किसी भी सीनियर ऑफिसर किसी से भी बात करेंगे तो वो आपसे जो मुद्दे आज के समय पर चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे आपकी क्या राय है आपने इसके बारे में क्या पढ़ा या आपने क्या समझा इस टॉपिक के बारे में ठीक है तो ये एक सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए एक आपका क्वेश्चन आया था ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग ठीक है अब ये सिंपल एक जोग्राफी का क्वेश्चन है बट ये न्यूज में था ये देखिए ये आपकी न्यूज है आई थिंक जून की न्यूज है यहां पर गवर्नमेंट uh, की दो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने समझौता साइन किया ड्राई लैंड फार्मिंग का ठीक है तो इसमें पूरा का पूरा ड्राई लैंड क्रॉप के बारे में डिस्कस किया गया पूरा आर्टिकल था सो अ क्वेश्चन विच सीम्स टू बी अ प्रॉपर जोग्रफी क्वेश्चन इज एक्चुअली अ करंट अफेयर क्वेश्चन चलिए आगे दिखाता हूं ये वाला क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैष्णव ऑफ असम तो ये uh, तीन वैश्विक दी है पूछा गया है ये क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे uh, राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो भारत जोड़ो यात्रा में जब आखिरी फेज में वो पहुंचे थे कहां पर uh, कश्मीर में पहुंचे जम्मू कश्मीर में तब उन्होंने uh, इनकी बात की शंकर देव की कि कैसे जो है शंकर देव कहते थे कि हमें जोड़ के रहना है इस देश को तो उनके बारे में काफी बड़ा उसके बाद आप देखेंगे लगभग सारे न्यूज़पेपर्स ने जो जो सेंट ऑफ असम शंकर देव है उनके बारे में लिखा ठीक है बहुत सारे आर्टिकल्स उनके बारे में छपे तो दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड अब इट सीम्स टू बी अ प्रॉपर मेडियबल हिस्ट्री क्वेश्चन भक्ति सूफी मूवमेंट का क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड कहां से है करंट अफेयर से क्योंकि इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई लगभग सारे न्यूज ने इसको कवर किया है आप गूगल कर सकते हैं राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दी थी कहां पर वहां पर जम्मू कश्मीर में अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद शिवाजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अटैक ऑन अफजल खान कैप्चर ऑफ तोरना ठीक है ये क्वेश्चन हो गया आपका अब यह क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से है क्योंकि शिव शिवाजी महाराज की एक मूर्ति स्थापित की गई थी गोवा में ठीक है गोवा में अब उसमें क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है उस मूर्ति को का क्षति को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसको लेकर लिटरली दंगों वाली सिचुएशन हो जाती है और उसके बाद जो है शिवाजी महाराज पर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पेपर में मिलते हैं ठीक है तो उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा आ, क्या क्या चीजें उन्होंने करी हैं तो इस बार शिवाजी महाराज पर दो क्वेश्चन थे पेपर में एक ही पेपर में एक सौ बीस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे क्वेश्चन तो से यह था वॉट आई एम एबल टू रिकॉल इज दो आउट किए थे आई थिंक वो मैं uh, इसको यहां पर मैं लाना भूल गया हूं स्लाइड uh, इंक्लूडेड नहीं है सो वन वॉज ड्राई लैंड फार्मिंग सोकेट यू नो टूमो ज जस्ट अनालिस ऑफ द सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो गाइज द मोटिव टू टेल यू हेयर ऑल द थिंग्स ये जो मैंने चार पांच क्वेश्चन बताए जो बहुत सिंपल जोग्राफी के पॉलिटी के क्वेश्चन लग रहे हैं येस वन इकोनॉमी क्वेश्चन के रूपी की डेप्रिसिएशन से क्या होगा ठीक है सो दैट वॉज वेरी मच इन द न्यूज के रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है इससे क्या नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इंपोर्ट बढ़ रहे हैं सो देर वॉज इट हां यस यस दैट वॉज द बक्शाली मेनुस्क्रिप्ट यस थैंक यू सो यू आपको पता था ओके okay, बक्शाली मेनुस्क्रिप्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था अब ये बहुत टफ क्वेश्चन था बट इट वॉज इन द न्यूज ठीक है उसमें आपका जो मेनुस्क्रिप्ट एक नेशनल मैनुस्क्रिप्ट मिशन लाने की कोशिश कर रही है सरकार एक बिल ला रही है ठीक है जिसमें जो हमारी पुरानी मैनुस्क्रिप्ट हैं ठीक है Uh, जैसे हमारी मान लीजिए हम हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं ठीक है गुरुमुखी देव uh, स्क्रिप्ट यूज करते हैं पंजाबी के लिए वैसे ही बक्षाली मनुस्क्रिप्ट जो है उसको प्रिजर्व करने की बात थी प्योरली आपको लग रहा है कि ये कुछ एंशियट और मेडियबल का क्वेश्चन है बट इट वॉज अ करंट अफेयर क्वेश्चन थैंक यू ठीक है इवन आपकी जो आ, आपका जो क्वेश्चन था खारवेला इंस्क्रिप्शन पे खारवेला इंस्क्रिप्शन ऑफ उड़ीसा वो भी न्यूज में था तो ये जितने भी क्वेश्चन हे ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको प्लेनली ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है ये करंट ज्योग्राफी uh, uh, का क्वेश्चन है हिस्ट्री का क्वेश्चन है ऑल दीज क्वेश्चंस आर आपको वो आप अगर उसको गूगल करोगे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे सो दैट वाज इन द न्यूज़ समवेयर सो इट वाज नॉट जस्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द इन द एग्जामिनेशन It is roughly, if you will see, I can challenge you, you can search for the questions, 120 questions of your paper, more than 50 questions you will find from the current affairs. You will find the reference of those questions, which you feel that these are the history questions. It has nothing to do with the current affairs. That questions you will find in the current affairs. So that is the power of the current affairs. So don't try to like, देर आर पीपल एट टाइम्स उसमें ये कहा गया है कि जी पंद्रह ही क्वेश्चन आते हैं बीस ही क्वेश्चन आते हैं इट इज नॉट सो ठीक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको साइकी को समझना है कि यूपीएससी का एग्जामिनर कहा से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है उसके पास बहुत सारी चीजें हैं वो randomly कहा से क्वेश्चन पिक कर रहा है या तो आपको एनसीआरटी से क्वेश्चन मिल रहे हैं डायरेक्टली या फिर करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं सो यू हैव टू चूज यर सोर्स वेल ठीक है दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई थिंक मैंने आपको एक थोड़ा सा स्निक पीक दिया है क्वेश्चन uh, में कि किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर से uh, पूछे जा रहे हैं चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के सेशन को uh, जल्दी से एंड आई होप कि आप ये वाला जो आज, आज आपको आखिरी के ये पाँच सात मिनट में ज्ञान मिला है या आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे ठीक है जी चलिए ओके इंटरनेशनल न्यूज में हमने डच में एक न्यू लीडर ठीक है उनके बारे में देखा चाइना नियर स्पेस कमांड की बात कर रहा है हमने हाउदी रेबल्स के बारे में पढ़ा ठीक है जी इजराइल हमास वॉर पढ़ा हमने National में सेफरन जी आई टैग जी आई टैग हां जी, ब, आ, पेपर आई आई एस आर ठीक है जी पेपर वैरायटी ब्लैक पेपर यस म्यूजिकल फ्रॉग अरुणाचल से सीएजी, जी न्यू वाइस चेयर एट एक्सटर्नल ऑडिटर्स ठीक है जी पेड़ी पेस्ट ठीक है असम में हमने देखा ओके मिंथिमा स्प्रेटा यस ये ये इसमें आ जाएगा दुईप शक्ति एक्सरसाइज ठीक है जी इसके अलावा द्वीप शक्ति एक्सरसाइज हाँ जी, जस्टिस फातिमा बीबी ठीक है उनका देहांत हुआ अब जैसे जस्टि, जस्टिस फातिमा बीबी है मान लो इनके बारे में पूछा जाता है कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन रही और एक दो स्टेटमेंट और पूछ लेते हैं तो अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो यू कैन नॉट से कि भाई लाइक इट वाज वेरी मच इन द करंट करंटेयर नाउ देयर कैन बी लाइक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड अगला लिख दिया जस्टिस लीला सेठ पहली महिला हाईकोर्ट uh, जज थी चीफ जस्टिस थी ठीक है और दो स्टेटमेंट दे दी तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्ड ठीक है सो so, हा राकेश नॉट बैडमिंटन प्लेयर ठीक है राकेश जो है इज नॉट अ आर्चरी ठीक है पैरा आर्चरी ठीक है आरबीआई गवर्नर वेंकट रमन ठीक है जी यस ओके सो दैट्स ऑल आई थिंक आज की ये न्यूज थी ठीक है जी तो ये थी आज की न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आई होप यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एटलीस्ट शेयर दिस सेशन विद वन स्टूडेंट वन पर्सन विच यू फील दैट दिस सेशन कैन एड टू देयर नॉलेज इट कैन हेल्प देम बिकमिंग अ बेटर अवेयर पर्सन बेटर लीडर बेटर नॉलेज बेस बेटर स्किल्स सो प्लीज शेयर दिस सेशन विद दैंक यू सो मच टेक केयर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस